हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे द वायरियल इक्वेशन के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसमें कुछ नए टर्म्स मिलेंगे आप लोगों को, उस टर्म्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो डेफिनेशन है टू डिस्क्राइब द आइसोथर्म ऑफ ए रियल गैस। तो यहाँ पर आइसोथर्म क्या है ना, द परफेक्ट गैस लॉस एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है ना, और कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू इक्वेशन कॉल्ड वायरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना। वायरियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वायरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, विच एक्सप्रेसेस द डेविएशन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। यहाँ पर डेंसिटी कुछ नया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स हम लोग को मिलेंगे वो ये है ना। देखिए यहाँ पर पहले परफेक्ट गैस लॉस मतलब क्या है, देखिए आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, PV is equal to nRT होता है ना। आइडियल गैस लॉ या परफेक्ट गैस लॉ का जो इक्वेशन होता है वो होता है PV is equal to nRT। यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर PV by nRT कर दो तो यहाँ पर जो टर्म बचेंगे है ना, PV by nRT अगर मैं कर दूँ, ये यहाँ पर क्या है, ये टर्म अगर मैं इस साइड में ले आऊँ, तो जो भी फैक्टर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं। जिसे हम लोग किस से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है कि ये मतलब रियल गैस के लिए ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये आइडियल गैस से कितना डेविएट हो रहा है, उसका जो बिहेवियर है कितना डेविएट हो रहा है, इसका एक मेजरमेंट है ये, ठीक है ना। तो आप लोग कह सकते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गिव्स अस अ मेजरमेंट ऑफ हाउ इट डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल गैस, या हाउ मच इट डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल गैस, ठीक है। इसे थोड़ा सा अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो ये बन जाता है PV bar by RT, जहां पर जो V by N है उसे मैं V bar से रिप्लेस कर रहा हूं, या आप लोग कह सकते हो कि N by V जो है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, N by V कर दूं, तो इसका फॉर्मूला बनता है रो डेंसिटी, है ना। तो यहां पर N by V के जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, रो भी लिख सकता हूं, साथ में RT इज इक्वल टू Z। हम ये तीनों ही फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो जो वायरियल इक्वेशन है ना, देखिए ये डेफिनेशन को थोड़ा सा आप लोगों को समझाते हैं। जो आइसोथर्म्स है, आइसोथर्म मतलब यहां पर क्या है, आइसोथर्म मतलब अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करूं रियल गैस के लिए, है ना, और यहां पर टेम्परेचर को मैं अगर कॉन्स्टेंट करूं, तो जो ग्राफ बनता है उसे हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। अगर हम लोग को आइसोथर्म बनाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट गैस लॉस को कंबाइन करेंगे और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स को भी साथ में कंबाइन करेंगे, और साथ में एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जो कि हम लोग को क्या देगा, वायरियल इक्वेशन में क्या देगा, हम लोग को जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसका हम लोग को रिलेशन देगा साथ में, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या है, P by RT इज इक्वल टू रो प्लस B rho² + C rho³, यानी कि डेंसिटी के पावर में है, देखिए, विच एक्सप्रेसेस द डेविएशन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। तो आप लोग ये वाला भी लिख सकते हो, या आप लोग ये वाला लास्ट में जो ये क्वेश्चन है ये भी आप लोग साथ में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर मैं एन को, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स या नंबर की जो ये भी है, अगर मैं इसे 1 कंसिडर करूँ, तो 1 by V bar जो होता है वो क्या होगा, रो होगा। आप लोग लिख सकते हो 1 by V bar इज इक्वल टू रो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला इक्वेशन आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है ना। इसे अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करें, यानी कि देखिए रो के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, रो के जगह पर 1 by V bar, जहाँ पर 1 क्या है, जहाँ पर 1 मतलब n का वैल्यू, यहाँ पर अगर हम लोग 1 को जाएंगे तो 1 by V bar होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो रो के जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1 by V bar, और रो स्क्वायर के जगह पर 1 by V bar whole square, तो 1 by V bar whole cube, तो ऐसे जाएंगे आगे, है ना। तो अगर आप लोग को वायरियल इक्वेशन पूछा गया तो आप लोग ये वाला भी लिख सकते हो या ये वाला भी लिख सकते हो, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए ये V bar सभी में कॉमन है, तो मैं एक कॉमन लेके उस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। और ये हम लोग का क्या है, ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ध्यान से देखना, PV by RT इज इक्वल टू क्या है, Z, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये बन गया आप लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और ये वाला रिलेशन, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स को साथ में हम लोगों ने कंबाइन कर ली विथ रिलेशन टू परफेक्ट गैस लॉस, ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन बन गया जो कि आइसोथर्म बनाने में हम लोग को हेल्प करता है। अगर आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।